ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाली सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बिजली की समस्या को लेकर पदयात्रा निकाली और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पुतले की अर्थी निकालकर पुतला दहन किया। बिजली समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री के पुतले की अर्थी स्टेडियम से होते हुए बिजली विभाग तक निकाली गई और पुतले को जलाया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव संदीप शाह ने कहा कि बिजली समस्या को लेकर इससे पहले हमने आटा चक्की संघ द्वारा एसआई को ज्ञापन दिया था, जिसका बिजली विभाग ने कोई समाधान नहीं किया। किसानों के इस समय धान रोपाई शुरू हो चुकी है और जिले में सैकड़ों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं। किसान और आम आदमी को अनाप शनाप बिजली का बिल भेजा जा रहा है। बिजली विभाग का कोई अधिकारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। जिले के विधायक सांसद मदहोश अवस्था में हैं। सिंगरौली की जनता त्रस्त है और बिजली विभाग मस्त है। शाह ने कहा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जल्द ही बिजली की समस्या का हल नहीं निकाला गया तो आम आदमी पार्टी 3 दिन बाद संपूर्ण जिले में बिजली के लिए आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा, जहां के संसाधनों का उपयोग कर बिजली बनाई जा रही है, उसी स्थान को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज बिजली विभाग के खिलाफ पिछले 14 जून को आम आदमी पार्टी के द्वारा सिंगरौली जिले के अंदर लाइटें टाइम से नहीं दी जा रही हैं, आटा चक्की संचालकों को लेकर के एक ज्ञापन दिए थे और बिजली विभाग को अल्टीमेटम दिए थे, इतने दिनों के अंदर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग बिजली विभाग का घेराव करेंगे। बिजली विभाग को चेतावनी दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर इन हमारे बातों पे कार्रवाई नहीं होती है, जो जनहित की मांगे हैं इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा मैं स्वयं सिंगरौली भ्रमण पे बिजली आंदोलन पद यात्रा पे निकल रहे हैं। उस बिजली आंदोलन में किसी भी तरह का कानून व्यवस्था की व्यवधान उत्पन्न होती है या मेरे पद यात्रा पे हमला होता है, इसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।